आज मैं आपको जहरीले सांपों के हमले और इनकी दुर्गत बनती हुई दिखाने वाला हूँ। जहाँ एक तरफ तो ये शेर पर हमला करेगा तो गिलहरी इसी पर चढ़ दौड़ेगी, और साथ ही साथ इंसान इसके जहर से कैसे बच सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलकर देखते हैं। बिल्लियों में शेर एक अलग ही लेवल रखता है। शिकार को मार गिराने और इसकी तिक्का बोटी करने में इसका कोई भी जोड़ नहीं होता, इसीलिए इसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। और अगर इसके बच्चों की बात की जाए तो वो भी शेर से कम नहीं होते। जैसा कि यहाँ जब शेर के बच्चे बैठे किसी का इंतजार कर ही रहे थे तो इन्हें एक हाक दिखाई दे जाता है जो घास में घूम रहा था। इसे देखकर ये बच्चे चुपके से आगे बढ़ने लगते हैं और हाक के करीब आ जाते हैं। हाक इन्हें कमज़ोर समझकर भागने की बजाय इनके करीब आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता है, पर शेर के बच्चे तादाद में ज़्यादा थे और हाक अकेला था। यहाँ शेर के बच्चे इसे मिलकर काबू कर लेते हैं और इसे मारने लगते हैं, पर तब क्या होगा जब शेर के बच्चों का सामना एक पाइथन से हो जाएगा। यहाँ जब शेर का बच्चा पाइथन को अकेला देखकर इसके करीब आ जाता है तो दोनों ही गुस्से में लग रहे थे, पर जैसे ही शेर का बच्चा पाइथन के मजीद करीब जाता है तो पाइथन फौरन ही इस पर अटैक कर देता है और इसके गिर्द लिपट कर काबू करने लगता है। शेर का बच्चा अपनी जान को बचाने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर यह तो अभी बच्चा था और पाइथन काफ़ी तजर्बाकार और साइज में काफ़ी बड़ा था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि शेर का बच्चा अकेला ही शिकार पर निकल आया था, लेकिन इसकी आवाज़ सुनकर इसके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और इसे सांप से छुड़वा लेते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि शेर भले जंगल का बादशाह है पर इसकी असली ताकत इसके झुंड की यूनिटी होती है। अगर ये इकट्ठे मिलकर हमला करें तो इनके हाथों पाइथन भी मारा जाता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने में नज़र आता है। जब एक पाइथन बड़े शिकार को मारकर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी इस पर शेरों की नज़र पड़ जाती है और वो इस पर हल्ला बोल देते हैं। पाइथन और इसके शिकार दोनों पर ही हाथ साफ करने लगते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सांप का जहर तो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अजदहा जहरीला नहीं होता, बल्कि ये तो अपने शिकार के गिर्द लिपट कर इसकी सांसों को बंद कर देते हैं। और अगर शेर का सामना ब्लैक मांबा या फिर कोबरा सांप से हो जाए तो फिर ये बड़ी अजियतनाक मौत मरते हैं, और अगर ये हम इंसानों पर हमला कर दें तो हम तो फौरन ही मारे जाएंगे। दरअसल दुनिया में सांपों की 600 के करीब ऐसी अकसाम पाई जाती हैं जो कि जहरीली होती हैं, और इन्हीं सांपों के काटने से 300 के करीब लोग सालाना मारे जाते हैं। अगर बात करें कोबरा की तो इसके जहर का एक कतरा किसी भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी होता है, और अगर ताइपॉन किसी इंसान को काट ले तो वो तो फौरन ही मर जाता है, क्योंकि इसका जहर कोबरा के मुकाबले में 180 गुना ज़्यादा ताकतवर और जहरीला होता है। जहाँ कोबरा के जहर का एक कतरा एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है तो वहीं ताइपॉन का जहर का एक कतरा 100 लोगों को मार सकता है। पर कोबरा इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि ये अपने टारगेट पर 3 मीटर दूर से अपना जहर फेंक सकता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इसके जहर को चूसकर इंसान को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसके डसने के 10 से 15 सेकंड के अंदर ही किया जा सकता है, वरना इसका जहर खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि इसके जहर को चूस कर थूक देना है, और आपके मुँह में कोई भी ज़ख्म नहीं होना चाहिए वरना इसका जहर आपके खून में शामिल हो जाएगा और आप मारे जाओगे। लेकिन दुनिया में ऐसे भी जानवर हैं जो कोबरा जैसे सांपों को भी कुछ नहीं समझते। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि ये नन्ही गुलहरी, यहाँ जब कोबरा घूमते हुए इन गुलहरियों के इलाके में आ जाता है तो यहाँ गुलहरियों की पूरी फौज इससे लड़ने के लिए आ जाती है, पर कोबरा भी अकेला ही इन पर अटैक करने लगता है। लेकिन गुलहरियों की तादाद ज़्यादा थी और वो इससे डर भी नहीं रही थी, पर कोबरा की मुसीबत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब इसे देखकर एक न्योला भी यहाँ आ जाता है और गुलहरियों की फौज में शामिल होकर इस पर अटैक करने लगता है। यहाँ तो बहुत सारी गुलहरियाँ थीं, पर इस क्लिप में गुलहरी की बहादुरी खुलकर सामने आने वाली है, जहाँ ये अकेली ही किंग कोबरा पर अटैक करने लगती है। दरअसल ये कोबरा इसके बच्चों को शिकार करने के लिए इधर आया था। सांप यहाँ भी बराबर मुकाबला तो करता है लेकिन गुलहरी का पलड़ा ज़्यादा भारी था, और इधर भी ये गुलहरी इस सांप के साथ ऐसा ही कर रही थी। सांप अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश तो करता है लेकिन ये गुलहरी इसे दुम से पकड़कर खींच लेती है।
अब एक क्लिप तो इलेक्ट्रिक ईल का भी है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये चलता फिरता शॉर्ट सर्किट है जिसे टच करने पर इतना जोर का झटका लगता है कि कुछ देर के लिए तो इंसान भी पैरालाइज हो जाते हैं। यहाँ जब ये शख्स इस इलेक्ट्रिक ईल को छूने का तजर्बा करता है तो ये इसे ज़ोर से करंट मार देती है, पर अगर सांप के साथ इसका सामना हो जाए तो फिर क्या होगा। यहाँ जब सांप इलेक्ट्रिक ईल को पकड़कर काबू करने लगता है तो वो इस पर करंट का हमला करके भाग निकलती है। सांपों को मारने में मकड़ी भी कम नहीं होती, ये सुनकर तो आप ज़रूर हैरान होंगे, पर ऐसा करने वाली ये मकड़ी है जो बाकी मकड़ियों से साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। इसका शिकार होने वाले सांप साइज़ में ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन इस मकड़ी के मुकाबले में उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ सांप मकड़ी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही ये इस मकड़ी पर हमला करने लगता है तो ये मकड़ी इसे ही दबोच लेती है और इसे मारकर खाने लगती है। अब एक क्लिप तो टाइगर का भी है। यहाँ ये जंगल में जब अकेला घूम रहा था तो अगले ही लम्हे ये अजदहे के शिकंजे में होता है। यहाँ टाइगर पूरी तरह फंस तो चुका था पर यह हिम्मत नहीं हारता और पूरा जोर लगाने लगता है और आखिर में यह खुद को छुड़ाकर भाग निकलता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं।